वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हम दूध में साल्ट की मिलावट का पता कैसे लगाते हैं। तो दूध में साल्ट लोग क्यों डालते हैं, या माल्टेटर्स या एडल्टेटर्स जो हैं साल्ट क्यों दूध में डालते हैं, ताकि दूध का एसएनएफ बढ़ाया जा सके, दूध में गाढ़ापन लाया जा सके। तो पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल बहुत ही आसान है कि हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं और पोटाशियम क्रोमेट का यूज़ करते हैं। तो ये दो रिएजेंट हैं, एक है, एक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे का नाम है पोटाशियम क्रोमेट। तो होता क्या है, जब हमारा मान लो हमारा NaCl दूध में मिला हुआ है, तो जब हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का बनेगा। तो लेकिन जो कलर जो है वो पोटाशियम क्रोमेट का येलो आता है, तो हमारा दूध का कलर भी येलो आ जाएगा। तो ये तो तब केस हो गया जब हमारा NaCl दूध में मिला हुआ है। अगर मान लो दूध में NaCl नहीं है, तो आपका जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है वो पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट बना देगा। तो सिल्वर क्रोमेट जो बनेगा वो रेड ब्राउन कलर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो दूध में साल्ट नहीं मिला हुआ है तो हमारा रेड ब्राउन कलर आएगा, और अगर साल्ट मिला हुआ है तो हमारा येलो कलर आएगा, जो कि पोटाशियम क्रोमेट की वजह से होगा। तो ये तो हमारा हो गया कि प्रिंसिपल क्या है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें हम एक तो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं जो कि 0.1 नॉर्मल होता है, तो 0.1 नॉर्मल बनाना बहुत ही आसान है। हम 1.69 ग्राम जो है सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे डिस्टिल वाटर में, और 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसका वॉल्यूम जो है मेकअप कर देंगे 100 ml, तो हमारे पास 0.1 नॉर्मल जो है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आ जाएगा। उसी तरह से पोटाशियम क्रोमेट अगर सोल्यूशन बनाना है, वो हम 10% बनाते हैं वाटर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि हम वाटर के अंदर ही इसको बनाना होता है। तो हम 10 ग्राम पोटाशियम क्रोमेट ले लेंगे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 100 ml, तो हमारे पास जो है 10% जो है पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर सोल्यूशन बन जाएगा। तो अब मैं बताऊं कि स्टेप बाई स्टेप हम इसको कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 5 ml जो है दूध ले लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर 1 ml जो है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालना है, उसको मिक्स कर लेना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर डाल देना है। उसके बाद हमें कलर देखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो साल्ट मिला हुआ है तो कलर हमारा येलो आएगा, जो कि पोटाशियम क्रोमेट की वजह से है, और अगर साल्ट नहीं मिला हुआ है तो हमारा जो कलर आएगा वो आपका आएगा रेड कलर आ जाएगा, या रेड ब्राउनिश कलर जो आ जाएगा। तो ये केस में कब आएगा, जब हमारा साल्ट नहीं मिला हुआ है। साल्ट मिला हुआ है येलो कलर, साल्ट नहीं मिला हुआ है तो रेडिश ब्राउन कलर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम साल्ट की मिलावट दूध में डिटेक्ट करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए हम देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप हम कैसे साल्ट की डिटेक्शन करते हैं दूध के अंदर। तो सबसे पहले हम 5 ml प्योर मिल्क डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखिए हमने 5 ml दूध ले लिया है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। इसी तरह से हम जो साल्ट एडल्ट्रेटेड मिल्क है वो भी 5 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसके बाद हमें 2 ml जो है 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 ml जो है 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम डालेंगे। 2 ml हम प्योर मिल्क में भी डालेंगे। ये 2 ml हमने ले लिया देखिए, और 2 ml ही हम साल्ट एडिड मिल्क में डालेंगे। ये हमने 1-1 ml करके दो बार लिया है, तो उसी तरह से 2 ml जो है हम साल्ट एडल्ट्रेटेड मिल्क में डाल रहे हैं। इसके बाद हम मिक्सिंग करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें फ्यू ड्रॉप जो हैं 10% पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन के दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो ये देखिए फ्यू ड्रॉप्स जो हैं हम पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन के दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक टेस्ट ट्यूब में रेडिश ब्राउन कलर आना चाहिए और दूसरे में येलो कलर आना चाहिए। तो प्योर मिल्क के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो कलर आएगा वो चॉकलेट ब्राउन कलर का आना चाहिए। देखिए ये जो कलर आया है हमारा चॉकलेट ब्राउन कलर आ गया है। तो चॉकलेट ब्राउन कलर हमारा प्योर मिल्क के केस में आएगा, और एडल्ट्रेटेड मिल्क में हमारा येलो कलर आएगा। तो हम देख सकते हैं एडल्ट्रेटेड मिल्क में येलो कलर आ चुका है, और प्योर मिल्क में हमारा मिक्सिंग हम प्रॉपरली कर लें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अब मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है। अब देखिए जो प्योर मिल्क था हमारा उसमें चॉकलेट ब्राउन कलर आया है देखिए,
और जो एडल्ट्रेटेड मिल्क था, साल्ट एडल्ट्रेटेड मिल्क, उसमें हमारा येलो कलर आई। तो इस तरह से हम साल्ट की मिलावट का डिटेक्शन करते हैं दूध में। और इसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन अगर हम बात करें मेथड की, तो वो 0.02% होती है। तो इस तरह से हम साल्ट की मिलावट दूध में डिटेक्ट करते हैं। धन्यवाद।